नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल न्यू वैगन आर 2019 के बारे में। जी हाँ, 23 जनवरी को मारुति ने वैगन आर का थर्ड जनरेशन लॉन्च किया है। काफी वर्थी अपडेट है, कई सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में ऐड कर दिए हैं मारुति की तरफ से, जिन फीचर्स को हम कुछ साल पहले वैगन आर के लिए सोच भी नहीं सकते थे। तो काफ़ी अच्छा वर्दी अपडेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मारुति को इन सारी चीज़ों का एहसास हुआ अचानक से और वो अपने कस्टमर्स की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सीरियस हो गए और उन्होंने ये सारी चीज़ें की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट कंपटीशन में मारुति सिर्फ और सिर्फ सेंट्रो को एक प्रबल दावेदार मानती है वैगन आर के अगेंस्ट में, और जो भी चीज़ें सेंट्रो ने मार्केट में लेके आए हैं, सेंट्रो के साथ में ह्युंडई लेकर आई है टॉप नॉच फीचर्स, सेफ्टी और कई सारी चीज़ें, उसी को ध्यान में रखते हुए और उसी एक गाड़ी को फोकस करते हुए मारुति ने वैगन आर में भी अपडेट्स दिए हैं, जैसे कि गाड़ी में टच स्क्रीन का आ जाना, गाड़ी में एयरबैग्स का आ जाना, गाड़ी में फिक्स हेडरेस्ट का आ जाना, अलॉय व्हील्स नहीं मिलना बट व्हील कैप का अवेलेबल हो जाना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का दे देना। तो वैगन आर ने कम्प्लीटली सेंट्रो को फोकस करके अपने आप को अपडेट किया है। लेकिन मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी सेंट्रो पर बना चुका हूँ कि हमें सेंट्रो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमें वैगन आर बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, ये आपके पैसों की बर्बादी होगी, आपके हार्ड अर्न मनी को मैं बचाना चाहता हूँ। इस वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी से मैं दोस्तों एक निवेदन करना चाहूँगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन काफ़ी सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके पैसे ज़रूर बचेंगे और एक बेहतर गाड़ी लेने में आपको डिसीजन मेकिंग में ये सारे फैक्टर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन से रीजंस हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एडिंग प्राइस फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी गाड़ी का भविष्य मार्केट में तय करती है। उसके चलते हम उन सारे तथ्यों से पर्दा उठाएंगे, किसी भी यूट्यूबर में अभी तक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं। हो सकता है उन सबके माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई हो या कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स, गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस, वॉक अराउंड, रिव्यूज, वर्डिक्ट, इन सारी चीज़ों पर या कंपैरिजन पर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। ये वीडियो कम्प्लीटली फोकस होगा उन सारे रीजंस पर जिनके चलते हमें वैगन आर नहीं खरीदनी चाहिए या सेंट्रो को भी नहीं खरीदना चाहिए, और हमें इतनी कीमत में एक बेहतर ऑप्शन, बेटर परफॉर्मिंग व्हीकल और एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाली अच्छी सेफ्टी के साथ में कई सारी ऑप्शंस गाड़ियों के मार्केट में अवेलेबल है जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और हमें खरीदना चाहिए। उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं तथ्यों पर हम बात करेंगे। वैगन आर को अपडेट करने की ज़रूरत मारुति को क्यों लगी, इसका भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही ह्युंडई सेंट्रो ने बेंचमार्क सेगमेंट का रेज कर दिया था, कई काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स के साथ में टॉप लोडेड ये गाड़ी फिट एंड फिनिश के साथ में आ चुकी थी मार्केट में, और पहले से ही वैगन आर एक ऐसा निवाला था मार्केट का जो मारुति के हलक में कम्प्लीटली उतर चुका था। बिना डकार दिए मारुति उसे निगल चुकी थी और काफ़ी अच्छे मायनों में, बहुत अच्छी गिनती में टॉप 10 सेलिंग कार्स में भी वैगन आर शामिल हुआ करती थी और बहुत अच्छे नंबर से बिकती भी थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, यानी कि दूसरी कंपनियों ने, मारुति के हलक में हाथ डाल के ये निवाला छीनने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो निवाला मारुति के हलक से फिसलने लगा, जिसके चलते मारुति के मार्केट शेयर का कुछ हिस्सा वैगन आर का चला गया क्विड के पास में। क्विड को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा, उसका डिज़ाइन लोगों को अच्छा लगा और वो भी काफ़ी अच्छी गिनती में बिकने लगी। उसके बाद उसी हिस्से में से, उस निवाले में से कुछ हिस्सा तोड़ के लेकर गई टाटा की टियागो। टियागो भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकली, काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स के साथ में, बेहतर परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी के साथ में कुछ हिस्सा टियागो वैगन आर से छीन कर लेकर गई, और बची कुछ ही कसर जो थी ह्युंडई के सेंट्रो ने पूरी कर दी। प्राइस सेगमेंट भी अच्छा था, कंपटीशन भी अच्छा था, फीचर्स भी अच्छे थे, बिल्ड क्वालिटी भी उनकी सबकी अच्छी थी, अप मार्केट और अपडेटेड और मॉडर्न एज फीचर्स के साथ में ये गाड़ियां आ रही थी।
और मारुति को ये क्लियरली नजर आ रहा था कि उनकी पकड़ यहां से फिसल रही है और वैगन आर मार्केट में पिछड़ती जा रही है। तो फिर से दोबारा एक बार अपना मार्केट में हिस्सेदारी वापस पाने के लिए और वो सारा हिस्सा छीनने के लिए मारुति ने कोशिश की। 2018 में इसे फिर से दोबारा बनाने की कोशिश की गई, चेंजेस करने की कोशिश की गई और एक कंप्लीट नए पैकेज के साथ में, सेफ्टी फीचर्स के साथ में और कई सारी अच्छी चीजों के साथ में एक वर्दी अपडेट वैगनर के साथ में मारुति इंडिया में लेकर आई है। लेकिन किसी भी गाड़ी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है। तो मुझे लगता है मारुति ने बहुत सारी गलतियां की हैं जिनको हम एक एक करके यहां पर सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आई एम श्योर वीडियो के एंड होने तक आपको पता चल जाएगा कि ना तो आपको सेंट्रो खरीदनी चाहिए ना ही आपको वैगन आर खरीदनी चाहिए। ये दोनों ही गाड़ियां वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में इन्हें काफी अच्छा इम्प्रूव्ड और स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग से कि जो गाड़ी हम बात कर रहे हैं वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी है और एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी में सिर्फ हार्टेक प्लेटफॉर्म जोड़ देने से या उसमें ABS, ABD और एयरबैग जोड़ देने से उसकी बिल्ड क्वालिटी में और उसकी सेफ्टी में ज्यादा से ज्यादा कितना इजाफा हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुई होगी, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट इस गाड़ी में हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस गाड़ी से आप i20 जैसी, फ्री स्टाइल जैसी, नेक्सोन जैसी या महिंद्रा XUV300 जैसी या फिर फोर्ड के एको स्पोर्ट्स जैसी, इनोवा जैसी या फिर स्कॉर्पियो जैसी सेफ्टी आप या स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये भाई सिर्फ एक एंट्री लेवल सेगमेंट की कार है और इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस है। तो उसमें आपको उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, मेटल शीट, बढ़िया बिल्ड नहीं मिलने वाली है। हालांकि फीचर्स अब जुड़ गए हैं लेकिन उससे कितना फर्क पड़ेगा इस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान मैं अपनी तरफ से लगाना चाहूंगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मारुति की तरफ से क्या कमियां रह गई हैं वैगनर को बनाते वक्त और उन सारी चीजों की वजह से ये कैसे पीछे रह जाती है और बाकी गाड़ियां बाजी मार ली जाती है और अपने हार्ड अर्न मनी को आप कैसे बचा सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे चूज कर सकते हो, क्योंकि एट दी एंड मनी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके खुद के खून पसीने की कमाई है, जहां चाहे आप लगाना चाहते हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए और आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आ जाए, यही मेरे इस वीडियो से कोशिश है। तो सबसे पहले मारुति ने क्या कमियां इसमें छोड़ी है वो जानने की कोशिश करते हैं। मारुति ने दो आपको इंजन के ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया 1 लीटर का ऑप्शन, एक दे दिया 1.2 लीटर का ऑप्शन। क्योंकि सेंट्रो जब 1.1 लीटर के इंजन ऑप्शन के साथ आया था तो उन्होंने इंडस्ट्री का बेंचमार्क रेज कर दिया, उसे टैकल करना था, सेंट्रो को काउंटर करना था, उसके लिए कई सारे फीचर्स और कई सारे बदलाव सेंट्रो को ध्यान में रखते हुए किए गए और इसीलिए मारुति लेकर आ गई 1.2 लीटर के इंजन को, जो कि उनका ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, जो कि इग्निस में भी आता है, जो कि बलेनो में भी आता है, जो कि स्विफ्ट में भी आता है। यहां पर मैं जितने भी प्राइसेस दोस्तों कोट करूंगा वो सारे एक्स शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे, रजिस्ट्रेशन, RTO और बाकी सारी चीजें अलग अलग होंगी और आपके सिटीज में इसकी टोटल कॉस्टिंग अलग अलग हो सकती है, जिसके लिए आपको नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे मुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कमियां मारुति ने छोड़ी हैं फीचर्स के मामले में। सिर्फ सेंट्रो को काउंटर करने के लिए उन्होंने उसी पर फोकस करके वैगनर को बनाना शुरू किया और वैगनर के साथ में उन्होंने कई सारी गलतियां की है, वो गलतियां हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले भी ये गाड़ी एक टीन का डिब्बा हुआ करती थी, आज भी एक टीन का डिब्बा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बस कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐड कर दिए हैं मारुति की तरफ से। सबसे पहला बड़ा रीजन मुझे ये लगता है दोस्तों कि प्राइस फैक्टर ये है दोस्तों कि जहां पर सेंट्रो का बेस मॉडल 389,000 से स्टार्ट होता है, वहीं पर मारुति ने इसे 40,000 रुपए महंगा करके 429,000 एक शोरूम मुंबई से स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, 40,000 के फर्क में मारुति क्या कर रही है, बेस वेरिएंट से आपको ड्राइवर एयरबैग, ABS और EBD तो स्टैंडर्ड दे रही है लेकिन ड्यूअल एयरबैग्स नहीं दे रही है। अगर आपको को पैसेंजर का एयरबैग चाहिए तो आपको हर एक वेरिएंट में एक ऑप्शनल वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें 6,500 का प्राइस डिफरेंस है, उतने पैसे पे करके आप उसमें एक
को पैसेंजर का एयरबैग लगवा सकते हैं। तो मुझे इस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आ गया कि अगर आप कंपटीशन से 40,000 रुपए ज्यादा ले रहे हो, और जब मैं फीचर्स की लिस्ट को कंपेयर करता हूं तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई भी वर्थ इतने अच्छे फीचर्स आपने एड ऑन किए हैं कंपटीशन के चलते कि जिसके लिए आप 40,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। तो उस 40,000 में आसानी से मारुति एक एडिशनल एयरबैग जो कि को पैसेंजर के लिए होता है दे सकता था, और मार्केट में एक अच्छा मैसेज भी चला जाता वैगनर के लिए, एक वर्दी अपडेट आया है और मारुति बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपने कस्टमर्स के सेफ्टी के बारे में। एंड नाउ इट कम्स विद द ड्यूल एयरबैग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द बेस वेरिएंट्स। एक अच्छा मैसेज चला जाता और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मारुति ने यहाँ पर मिस कर दी है। इस चीज का बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगंडा किया है कि ऑप्शनल वेरिएंट और किसी भी वेरिएंट के प्राइस में सिर्फ 6,500 का डिफरेंस है और सिर्फ 6,500 रुपए देकर आपको एक दूसरा एयरबैग लगा के मिल जाएगा। लेकिन लोग ये बताना भूल गए हैं कि भैया सेंट्रो के किसी भी वेरिएंट में और दूसरे वेरिएंट पे जो प्राइस गैप है वो 35,000 से लेके 45,000 के बीच में है। यानी कि अगर आप एरा से मैग्ना पर जाएंगे, मैग्ना से स्पोर्ट्स पर जाएंगे, स्पोर्ट्स से एस्टा पर जाएंगे, तो इन वेरिएंट्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो तकरीबन 35,000 से 45,000 का है। लेकिन मारुति ने क्या किया है, अगर आप LXI से VXI जाते हैं या VXI से अगले वर्जन पर जाते हैं, वेरिएंट पर जाते हैं, तो प्राइस डिफरेंस जो है वो तकरीबन 50,000 का है। यानी कि यहाँ पर भी मारुति ने बहुत बड़ा गैप रखा है हाई प्राइस का, तकरीबन 15,000 रुपये ज्यादा चार्ज कर रही है मारुति। प्लस जो भी वर्दी अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी आपको 1.2 लीटर के इंजन में ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारे लिए 1 लीटर इंजन वाला वैगनार खरीदना एक सरासर बेवकूफियों वाला घटिया सौदा होगा, क्योंकि टॉप एंड व्हीकल जो है VXI 1 लीटर का, उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ एक स्मार्ट डॉक मिलेगा, USB मिलेगा, ऑक्स मिलेगा और आपको ब्लूटूथ मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको VXI 1 लीटर के टॉप एंड वेरिएंट में नहीं दिया जाता है। प्लस अच्छी खासी प्राइस आप ले रहे हो उसके बावजूद भी उसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम भी नहीं दिया जाता है, म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया जाता है। तो जो भी लोग इस अपडेट का वेट कर रहे थे और जो सोच रहे थे कि हम VXI 1 लीटर का टॉप मॉडल लेंगे, तो ये उनके लिए कम्प्लीटली बेवकूफ बनाने वाली चीज मारुति ने की है कि कोई भी फीचर्स उसमें नहीं दिए हैं, जो कि आपको स्ट्रेट अवे कोई भी अच्छे फीचर्स और एक अच्छा व्हीकल अगर लेना है, वैगनर का अच्छा वेरिएंट लेना है, तो आपको स्ट्रेट अवे या तो टॉप एंड 1.2 लीटर का ZXI वेरिएंट लेना पड़ेगा या फिर ZXI AGS जो कि ऑटो गियर शिफ्ट है वो लेना पड़ेगा। उसी में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, सारे अच्छे वर्दी अपडेट्स मिलेंगे, वरना ये गाड़ी वेस्ट है, कम्प्लीटली वेस्ट है। इस पर अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। ZXI की प्राइस आएगी आपको 5,32,000 और ZXI AGS की प्राइस आएगी आपको 5,79,000 एक्स शोरूम कॉस्ट, दोनों में RTO इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन वगैरह बाकी सारे चार्जेस मिला के इनकी ऑन रोड प्राइस अलग हो सकती है, जो आप अपने नजदीकी डीलर से चेक कर लीजिएगा। अब जब मुझे टॉप नॉच फीचर्स चाहिए, सेफ्टी चाहिए, अच्छी सारी चीजें चाहिए, जिसके लिए मुझे 5,32,000 रुपए खर्च करने हैं और ZXI ही लेना मेरी मजबूरी है, तो उतने पैसे में मार्केट में कई सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको मैं चूज कर सकता हूँ और मुझे वैगनर से कहीं बेहतर गाड़ी मिल सकती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, ऑन रोड स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, कई सारी अच्छी चीजें उन गाड़ियों में मिल जाएगी। इसके तीन ऑप्शन मारुति की खुद की प्रोडक्ट रेंज में ही मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों मारुति सुजुकी की इग्निस। इग्निस और वैगनर 1.2 लीटर का इंजन सेम है, जबकि इग्निस ज्यादा पावरफुल है, 83 PS की पावर देती है आपको, 4,68,000 से स्टार्ट हो जाती है, ड्यूअल एयरबैग, ABS, ABD, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल HVAC, ये सारे फीचर्स इग्निस के बेस मॉडल से ही आपको मिल जाते हैं। तो सेफ्टी भी आपको मिल गई, गाड़ी भी बेहतर मिल गई, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इग्निस की बिल्ड क्वालिटी वैगनर की बिल्ड क्वालिटी से डेफिनेटली बेहतर है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी कोई शक होगा। तो अगर उससे कम प्राइस में मुझे अगर इग्निस मिल रही है तो मैं वैगनर क्यों खरीदूंगा? कोई बेवकूफी होगा जो वैगनर के टॉप एंड मॉडल के लिए जाएगा और इग्निस नहीं खरीदेगा। दूसरा मॉडल है दोस्तों मारुति सुजुकी स्विफ्ट।
यहाँ पर हम सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों का ही कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि वैगनआर सिर्फ पेट्रोल में ही आती है, वैगनआर डीजल में नहीं आती। तो हम जो भी गाड़ियां यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही चूज करेंगे। स्विफ्ट का पेट्रोल वेरिएंट जो है एलएक्सआई बेस वेरिएंट, वो आता है आपको 4,99,000, वो भी वैगनआर के टॉप एंड से सस्ता है। इस गाड़ी में भी आपको ईबीएस, ईबीडी, ड्यूअल एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल एचवीएसी, ये सारे फीचर्स एज अ स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी बताने की जरूरत नहीं है, स्विफ्ट का परफॉर्मेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्विफ्ट कितनी अच्छे से ऑन रोड स्टेबिलिटी देती है और कितनी लोकप्रिय गाड़ी है वैगनआर के मुकाबले, मुझे लगता है इसे मुझे कोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो जब मुझे स्विफ्ट जैसा ऑप्शन भी वैगनआर से सस्ता मिलता है, वही सारे टॉप नॉच फीचर्स मुझे अगर बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, बेहतर बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ मिलता है, तो फिर मैं वैगनआर क्यों लूं। तीसरे प्रोडक्ट की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों, और तीसरा प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी का अपना बलेनो, जिसे वो नेक्सा के तहत बेचते हैं। सेम इंजन है, बेटर परफॉर्मेंस आएगा आपको, ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल HVAC, ये सारे फीचर्स उससे बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा, बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, बेहतर डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, स्पेशियस है गाड़ी अंदर से, और बलेनो कितनी फेमस है और कितनी गिनती में बिकती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें किसी को भी शक नहीं होगा कि बलेनो भी वैगनआर से डेफिनेटली कई गुना बेहतर है। तो अगर ये तीन प्रोडक्ट मारुति के खुद के अपनी प्रोडक्ट रेंज में है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो जाके 5,32,000 में टीन का डिब्बा खरीदेगा। उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी आप कंपेयर कर लीजिएगा, फिट एंड फिनिश देख लीजिएगा। सेंट्रो ने एक बेंचमार्क रेज किया है और वो बेंचमार्क को सेंट्रो मेंटेन किए हुए है। जितनी अच्छी प्रीमियम फील करवाने वाली इंटीरियर की क्वालिटी है, टू टोन बेज और ब्लैक कलर में, फिट एंड फिनिशिंग कहीं भी कोई गैप नहीं, ये सारी चीज़ें सेंट्रो की बहुत ही अच्छी है। जबकि आज भी वैगनआर में वही सड़ा घिसा पुराना प्लास्टिक पुराने वैगनआर से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। दरवाजा जब आप खोलते हैं तो थर्ड साउंड, मेटल की शीट का कितना हल्कापन, ये सारी चीजें आपको महसूस होती है। और क्वालिटी में मुझे नहीं लगता है कि मारुति ने कोई भी इजाफा किया है, लेकिन प्राइस में 40,000 रुपए का इंक्रीमेंट डेफिनेटली कर दिया है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि पुराने वैगनआर के चलते नई वैगनआर 65 kg जो है उसका वेट कम कर दिया है, जिसकी वजह से वो फ्यूल एफिशिएंसी को तो मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन पुराने वाली ही सेफ नहीं थी, उसकी बिल्ड क्वालिटी ही सेफ नहीं थी। 70 के ऊपर अगर आप उसे हाईवे पर दौड़ाएंगे तो ठंड में जैसे इंसान कांपता है, वैसे पूरी वैगनआर कांपा करती थी। ऑन रोड स्टेबिलिटी नहीं होती थी और ये गाड़ी कब उलट जाएगी, कब पलट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता था। बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा होता था और उसी के चलते अगर उसी वेट में आप 65 kg और कम कर दोगे तो ये गाड़ी कहाँ से सेफ होगी। सिर्फ एयरबैग देने से या ABS, EBD देने से गाड़ी सेफ नहीं होती है, जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी, उसका मेटल का कंस्ट्रक्शन भी सेफ होना, स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि वैगनआर में नहीं आता है दोस्तों। तो हम कैसे वैगनआर पर अपने हार्ड अर्न मनी को, पैसों को बर्बाद करें, मुझे लगता है बहुत ही बड़ी गलती है वैगनआर को खरीदना। अब मुड़ते हैं तीन और गाड़ियों की तरफ जो कि वैगनआर को कड़ी टक्कर देते हैं और वैगनआर से कई बेहतर परफॉर्मिंग बिल्ड क्वालिटी के मामले में और अच्छी गाड़ियां हैं। अगली गाड़ी है दोस्तों ह्यूंडई की ग्रैंड i10। ग्रैंड i10 के बारे में भी आपको कोई दो राय नहीं होगी कि ये गाड़ी वैगनआर से डेफिनेटली बेहतर है। फिट एंड फिनिश, फीचर्स, गाड़ी के इंटीरियर्स, गाड़ी के कलर कॉम्बिनेशंस, बॉडी स्ट्रक्चर, कई सारे मामलों में ग्रैंड i10 वैगनआर से कई बेहतर है और आती है सिर्फ 4,97,000 में। ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, HVAC, ये सारी चीज़ें जो है इसमें भी बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड आ जाती हैं, तो फिर मैं वैगनआर क्यों खरीदूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत ही घाटे का सौदा होगा दोस्तों अगर आप वैगनआर को खरीदते हैं। अगली गाड़ी की तरफ मुड़ते हैं जो है ह्यूंडई की i20 इलाइट। इलाइट में भी अगर पेट्रोल का बेस वेरिएंट लेते हैं आप एरा, उसकी कीमत आपको जाएगी तकरीबन 5,49,000, जो कि 11,000 तकरीबन महंगी है। लेकिन i20 में भी आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, कंफर्ट, ABS, EBD, पावर स्टीयरिंग, HVAC जैसे कई सारे फीचर्स हैं, ड्यूअल एयरबैग्स, ये सारे एज अ स्टैंडर्ड आते हैं और वैगनआर में सिर्फ आपको ड्राइवर एयरबैग, ABS, EBD स्टैंडर्ड आता है। तो वही सारे फीचर्स एक बेहतर व्हीकल में मुझे मिलेंगे, बेटर आउटपुट मिलेगा, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो वैगनआर खरीदेगा। अगली और इस सेगमेंट की आखिरी गाड़ी है दोस्तों
जो इस सेगमेंट में सबसे अलग स्टैंड आउट करती है और सबसे बेहतर है वो है फोर्ड की फ्री स्टाइल, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है दोस्तों 5,43,000 से। जी हाँ, ये भी तकरीबन 11,000 महंगी है वैगनआर से, लेकिन 5 years की वारंटी, ड्यूअल एयरबैग, ABS, ABD, पावर स्टीयरिंग, मैनुअल HVAC जैसे सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी का क्या कहना, सेगमेंट में सबसे बेहतर 90 PS की पावर ये गाड़ी देती है, सबसे बेहतर इंजन है इसके पास में। ऐसे कई सारे रीजंस है जिसके चलते अगर मुझे 5,32,000 स्पेंड करने की मेरी कैपेसिटी है या AGS में 5,79,000 स्पेंड करने की मेरी कैपेसिटी है तो मैं क्यों ना फोर्ड की फ्री स्टाइल लूँ जिसका 5,43,000 बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है और कई सारे फीचर्स मुझे बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। वहां पर भी बेस वेरिएंट में आप म्यूजिक सिस्टम मुझे नहीं दे रहे हो, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो जो फीचर्स मुझे सैक्रिफाइस वहां पर करने पड़ रहे हैं उस प्राइस में वो यहाँ पर भी करने पड़ेंगे, लेकिन मेरी सेफ्टी, मेरी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, कई सारी चीजें मुझे बेहतर मिल जाएंगी, कई सारे अच्छे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे, तो फिर मैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी क्यों ना दूं, बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी क्यों ना दूं, परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी क्यों ना दूं, पावर आउटपुट को प्रायोरिटी क्यों ना दूं। तो मुझे ऐसे कोई भी रीजंस इसमें नजर नहीं आते हैं दोस्तों जिसके चलते मुझे वैगन आर खरीदनी चाहिए। मैं इस वीडियो के जरिए सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैसेज आप तक कन्वे करूँ और आपके हार्ड अर्न मनी को बचा सकूँ। ना तो वैगनर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ना ही प्लास्टिक की फिट एंड फिनिश अच्छी है, ना ही किसी मायने में वैगनर इन सारी गाड़ियों के साथ में खड़ी हो पाती है। तो डिसीजन आपका होगा दोस्तों, पैसे आपके हैं, निर्णय आपको लेना है, आप जो चाहे कर सकते हैं। जो तहे दिल से मुझे लगा कि एक कोशिश होनी चाहिए आपके पैसों को बचाने की, वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।